मीरा भाईंदर शहर में बढ़ते कोरोना के प्रादुर्भाव को देखते हुए आज 4 अप्रैल रविवार को मीरा भाईंदर शहर के वार्ड क्रमांक 16 के नगर सेवक राजू भुईर ने स्वयं अपने खर्चे से शांति गार्डन परिसर के सभी इमारतों को सैनिटाइजर किया। स्थानीय निवासियों ने राजू भुईर की प्रशंसा। इस बारे में स्थानीय नागरिकों ने क्या कहा, ये जानते हैं। बाला साहब का एक सिद्धांत है कि 20% की राजनीति होगी और 80% का समाज सेवा होगा, और ये चीज़ शिवसैनिकों के खून में घुस चुका है, ये वही करते हैं। खाली ये मैटर नहीं है राजू भुईर के सामने, राजू भुईर ने या शिवसेना के उससे सहयोग से हमारे जो आगे के पदाधिकारी हैं, प्रताप सर नाइक जी हैं, बिचारे साहब हैं, इन सारे लोगों ने अगर किसी चीज़ को एडॉप्ट कर लिया तो वो उसको एक परिवार की तरह लेके चलते हैं। किसी भी तरह के सुख दुख में आपके साथ वो खड़े रहते हैं, और उसी का परिणाम है कि राजू भुईर इतनी जल्दी इतनी त्वरित गति से एक्शन में आ गए और अपने खर्च से सारा का सारा इंतजाम करके यहाँ पर सैनिटाइज का काम, कोरोना से बचने के नाना प्रकार के उपाय को लेकर के वो काम को इमीडिएट चालू कर दिया। और ये समझिए कि ये उनका जो समाज सेवा का जो एक लक्ष्य है, समाज सेवा का जो एक उनका सिद्धांत उनको दिया गया है, उसके आधार पर ये आपको हमेशा नज़र आते हैं, ऑफिस में नहीं नज़र आते हैं। ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब, आई मस्ट रियली थैंक हिम फॉर ऑल दैट ही इज़ डूइंग, एंड आई होप दैट ही कंटिन्यूज टू डू मेनी मोर अदर things for us that we need during this time of COVID. मेरा नाम है सतीश कहारे, मैं सेक्टर 6 बिल्डिंग नंबर 125 का सेक्रेटरी हूँ। और यहाँ पे हर साल से जब से कोरोना आया है, और कोरोना के पहले भी जब भी हमारे यहाँ कुछ भी काम रहे, कुछ सोसाइटी का काम रहे, किसी चीज़ के लिए हमें हेल्प लगे, तो हमेशा राजू भोर जी और हमारे शिवसेना के जो पदाधिकारी है बाकी हमेशा हमारे साथ आए हैं। हमारे यहाँ पे जो एक फेडरेशन है, वो फेडरेशन ने भी हमेशा हमको हेल्प की हुई है। और राजू भुईर जी ने जो पिछले साल भी कोरोना जब आया था तब उस वक्त भी उन्होंने सैनिटाइज़र किया, सब किया है। और अब खास करके हमारे सीएम साहब ने, उद्धव साहब ने जो बताया है कि माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, या सब पूर्णतः पालन आमचे नगरसेवक इथं करतात आहे, ते माझा वार्ड माझी जबाबदारी या उद्देशाने ते सगळं व्यवस्थित पार पाडतात आहे। आणि आम्ही सगळी जनता म्हणून आम्हाला या गोष्टीचा आनंद आहे की आम्हाला असे लक्ष देणारे आमचे नेते आहेत आमच्याकडे। आणि या आनंदामध्ये आम्ही आमचा कोरोना जो इथे वाढतो आहे हे होतो आहे, तर ह्या आम्हाला हा आनंद आहे की आमचे लोक असे नेते लक्ष ठेवणारे आहेत, तर ह्या कोरोना लवकरात लवकर इथून संपेल। आणि ह्या आशेसहत मी सगळ्यांना, माझ्या सोसायटीत आणि सगळ्या जनतेला आवाहन करू इच्छितो की सरकारने जे जी आपल्याला नियमावली सांगितली आहे त्या सगळ्याचं आपण कृपया पालन करावे, सॅनिटायझर लावत राहावे, मास्क लावावा, 2 गज की दूरी सैनिटाइजर है ज़रूरी। ऐसा है कि आपको पता है पिछले एक साल से कोरोना पूरे शहर में, मीरा भाईंदर में, हर एरिया में जोर बढ़ रहा है, लेकिन अभी उसका इस अब ये मार्च महीने से फिर से ज़्यादा उसका बढ़ाव चालू हुआ है। तो हमने पिछले साल में भी हर सोसाइटियों में जाके सैनिटाइज करवाया था, मीरा भाईंदर शहर में भी करवाया था, लेकिन इस बार फिर से हमने एक नया मशीन बनवाया है। उस मशीन के माध्यम से पूरे शहर में शिवसेना के माध्यम से, हमारे प्रताप सर नाइक के मार्गदर्शन में, गीता जैन के मार्गदर्शन में, आमदार उन्होंने जो हमको बताया कि लोगों के लिए फिर से सैनिटाइज का काम करना चाहिए, तो हम लोगों ने ये काम गाड़ी के माध्यम से काम चालू किया है। हम लोग रास्ते में उतर के काम करते हैं, ऑफिस में बैठ के या ऐसा बाइट दे के कुछ होता नहीं है। नगर पालिका के सारे कर्मचारी हर साल से, पूरे साल से दवाई छिड़काने का काम कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रहे हैं, हर कोई रास्ते पे है। ऑफिस में बैठ के बोलने के लिए सबको आता है, लेकिन रोड पे उतर के ये जो काम करना, लोगों को जाके सामने जाके मेहनत करके उनको राहत दिलाना, ये काम होता है। तो अभी शिवसेना के माध्यम से हम लोगों ने ये पूरा गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे लिया है, और पूरे मीरा भाईंदर शहर में हम लोग ये काम करेंगे। नागरिकों को कहना, इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि अपनी खुद की सेफ्टी के लिए माझे परिवार, जैसा जो हमारे मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे ने जो ऐलान किया हुआ है, जो मार्गदर्शन किया है, उस हिसाब से लोगों ने उसका निर्देश पालन करना चाहिए, और आपको अपने आप को खुद को बचाना चाहिए, और भीड़ भाड़ में जाना नहीं चाहिए, और जब काम रहेगा तभी जाना चाहिए, और मास्क कंटिन्यू वापरना चाहिए, और सैनिटाइज
करना चाहिए। बस अपनी खुद की जब अगर अपन ये सब चीज़ों से ख्याल करेंगे तो ये कोरोना नहीं आएगा और अपने आप चला जाएगा, लेकिन अपन खुद इसका प्रिकॉशन लेना चाहिए।